नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाल, गुड मॉर्निंग ओडिशा। मु शक्ति आउ आपनकु स्वागत करुछि आमर ए चैनल आजिरो ताजा खबर को। तो चलंतु नजर पकेबा आजिरो बछा बछा खबर उपरे। तो ता पूर्वरु जदि आपन माने आमर ए चैनल ले नुवाई वीडियो देखचोंती, पूर्वरु सब्सक्राइब करनाती, तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजे रखथांतु, जातर कि प्रतिदिन खबर आपन माने सर्वप्रथमे जानि परिबे। तो फ्रेंड्स, नंबर वन रही नेहरू को नाम बदली गला। प्रधानमंत्री म्यूजियम नामकरण हला, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम रो नाम बदली देले मोदी सरकार, टारगेट कला कांग्रेस। तबे दिल्ली स्थित नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रो नाम बदली गला, यहाँ को प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी भाव नामकरण कर नेहरू मेमोरियल ना को बदली थारु मोदी सरकार को टारगेट करछि कांग्रेस। यहाँ मोदी सरकार का संकीर्ण मनोभाव और प्रतिशोधर द्वितीय ना बोली कहते वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश। सूचना मुताबक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटर एक स्वतंत्र बैठक में यार ना को बदल प्राइम मिनिस्टर एंड लाइब्रेरी भाव नामकरण करने को निष्पत्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता करते। दीघा प्रवृत्ति खबर, दुर्बल भित्तभूमि सोई शक्ति विभाग, शोपड़ी शक्ति विभाग, लोकों जीवन सह खेलुची विद्युत जोगाणकारी संस्था। शोपड़ी शक्ति विभाग, लोकों जीवन सह खेलुची विद्युत जोगाणकारी संस्था। बलांगीर जिलूर एभली किसी खबर आसी विद्युत जोगाणकारी संस्था चरम अवहेला सामनाक आसी। बलांगीर जिला बंगमुंडा ब्लॉक अंतर्गत सिंधेकला हाई वोल्टेज विद्युत ट्रांसफार्मर तले रही है, विद्युत संजोग अच्छी। सबुठ बड़ कथा हूँ यही ट्रांसफार्मर ठारु अल्प दूर से रही स्कूल। पूर्व यही ट्रांसफार्मर संस्पर्श से आसी गाई गोरु माकड़ आदि पशु जीवन विपद संकुल अवस्था थिबा ट्रांसफार्मर को विद्युत खुंट उपर लगाइबा अबा आबद्ध कर रखा को बहुबार विभागीय अधिकारी दृष्टि आकर्षण करें गुरुत्व देना, फल शताधिक छात्र छात्री जीवन बाजी लगी। जदि कौन छोट पिला ट्रांसफार्मर संस्पर्श से आसे तेरे परिस्थिति भयानक हो पाए। देखा प्रवृत्ति खबर, जेल्रु महाटक सुकेश लिखिले आउ एक चिठी, बाहनगा रेल दुर्घटना पीड़िता को 10 कोटी सहायता देवा मागिले अनुमति। तबे जेल में बंद थी महाटक सुकेश चंद्रशेखर पुणि एक चिट्ठी लिखि समस्त को चकित कर दे। सुकेश जेल थी आम आदमी पार्टी को नहीं नुआ नुआ खुलासा करुवा बेले एवं एक चिट्ठी रेल विभाग नाम लिखिंट। मंडोली जेल रे बंदी थी सुकेश एवं बाहनगारे होता रेल दुर्घटन पीड़ित और मृतकों परिवार को 10 कोटी टंका सहायता देवा इच्छा करते। तेज निजर वकिल मध्यम जारी कर चिट्ठी सुकेश लिखिं कि बाहनगार रेल दुर्घटना एक दुखद घटना, दुर्घटना को नहीं से दुख प्रकाश करेल दुर्घटना पर सरकार जो भाई भाव उद्धार कार्य और सहायता राशि तुरंत घोषणा कले सुकेश सरकार को प्रशंसा करपटे। सुकेश चिठी लिखिं कि सरकार प्रथम थर समस्त पीड़ित परिवार को सहायता राशि घोषणा करते। देशर जड़े नागरिक भाव से पीड़ित परिवार को 10 कोटी टंका सहायता देवा चाहते। टंका विशेष भाव पीड़ित परिवार पिला शिक्षा क्षेत्र में खर्च कर अनुरोध कर। दीक्षा परवर्ती खबर, मु झील पेटर जन्म होइछे, पुनर्जन्मर अद्भुत कहानी। उत्तर प्रदेश मैनपुरी अंतर्गत जागिरी विकास खंड अंचल गोटे गाँ, गाँर ना होची रतनपुर। एठी गोटे छोट पिला निजर आई को पत्नी बोली कहता बेले निजर माँ को कहि ये मोर झी। एबे ही घटनार वीडियो देश सारा भाइराल होबार लगी। तबे कहा जाउछि पिलाटी तार पुनर्जन्म कथा मन पकई पारुछि। आसंतु जानिबा पूरा घटना। रतनपुर गाँवर अधिवासी मनोज मिश्रा 2015 जनवरी 9 तारिख दिन निजर बिलरे काम करुथा बेले गोटे नागुणी तांकु चोट मारिला। से संगे संगे निजर दृष्टिशक्ति हराई पड़गले। तबे परिवार लोके तांकु हॉस्पिटल नेले सिना, किंतु डाक्टर सेठरे तांकु मृत घोषणा कले। परे परिवार लोके तांकर शेषकृत्य करी शुद्धिक्रिया करथिले। सेतबेले मनोजंक झी रंजन गर्भवती थिले। बापांक मृत्युर 13 दिन पूर्वरु गोटे कन्या संतान को जन्म देले, पिलार ना रखाला आर्यन। तबे आर्यन को वर्तमान 8 वर्ष बयस। निकटरे जेतबेले से मैनपुर को आसिला सेठी से तार पुनर्जन्म कथा कहिला, केमिति तांकु बिलरे काम कला बेले साप कामुडीथिला एवं से बेहोस होई जाइथिला। तबे खाली सेतिक नुहे, निजर आई को पत्नी और माँ रंजना को झियो बोली कहिछि आर्यन। तबे आउ सेतबेले से निजर अजांक बैंक खाता रे केते टंका थिला से कथा कहिला समस्त चकित होइगले। निजर दुई मामू अजय और अनुजं को से निजर दुई पुओ बोली मध्य कहुछे। तबे 2 वर्ष तले एही मैनपुरी ठारे आउ जणे बालक निजर पुनर्जन्म कथा कहिथिला। से केनाल रे पड़ी मरिजवा परे
ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତାର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ରୋହିତ କୁମାର ନାମକ ଏହି ପିଲାଟି ନିଜର ପୁନର୍ଜନ୍ମର ବାପା ମା ଏବଂ ଭଉଣୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲା। ରୋହିତ 2013 ମେ 4 ତାରିଖରେ କାନପୁର ନିକଟ ଏକ କେନାଲରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା। ତେବେ 2021 ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦବୀର ଓରଫ ଛୋଟୁ ନାମକ ପିଲାଟି ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥା କହିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବାପା ବୋଲି କହିବା ସହିତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ତାର ନାଁ ରୋହିତ ଥିଲା ଓ ସେ କେମିତି ବୁଡ଼ି ଯାଇ ମରିଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲା। ଦେଖା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର 44.6 ଡିଗ୍ରୀରେ ଜଳିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଚଟପଟ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 44.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 44.6 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ ଏହା 42.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ପ୍ରବଳ ଖରା ଏବଂ ଗରମରେ ଛଟପଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 13 ଓ 14 ତାରିଖରେ ତାପମାତ୍ରାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଗତକାଲି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବଳ ଖରାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 42.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 14 ତାରିଖରେ 34.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସେହିପରି ଜୁନ 13 ତାରିଖରେ 34.2 ଡିଗ୍ରୀ ପାରା ଛୁଇଁଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସୋନପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 45.6 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 45.4 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଖରା, ଗରମ ଓ ଗୁଳିଗୁଳିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ। ତାତିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର ମିଳିବ ମାଗଣା ଆଇଏଏସ୍ କୋଚିଂ। ମାଗଣାରେ ଆଇଏଏସ୍ କୋଚିଂ ପାଇବେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ମାଗଣାରେ ଆଇଏଏସ୍ କୋଚିଂ ପାଇବେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଆଇଏଏସ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର। କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ପଡ଼ାଲ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ UPSC ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ତେବେ ଏବେ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯିବ। ତେବେ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ 60 ଓ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 40% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରି କୋଚିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତ। ରୋହିତଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବିଶ୍ରାମ। ଟେଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଏବଂ T20ରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଟେଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଏବଂ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 27 ତାରିଖରେ ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ହୋଇପାରେ କିଛିଟା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ଆଜିଙ୍କା ରାଣାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଦିନିକିଆ ଏବଂ T20ରେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସମ୍ଭାଳିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। IPL ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ରାଣା ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ସମ୍ଭାଳିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନେଇ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେବ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତଥା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମନ୍ୱୟର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନେଇ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତଥା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମନ୍ୱୟର ଏକ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କିପରି ତାହାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ତାହାର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 3 ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୌଣସି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଲାଗି ଅର୍ଥାତ୍ ଗହଳିରେ କିଏ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ କେହି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ଆଣି ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବେ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଯେପରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ବିନା ବାଧାରେ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ରେଡ୍କ୍ରସ୍, ଆପଦ ମିତ୍ର, ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଓ ହାପିନେସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଭିଜନ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ, ସ୍କାଉଟ୍,
आंड गाइड रोफर और रेंजर मैंने ग्रीन करिडर करी तारी माध्यम रे आंबुलांस जातायात करने सहित भक्त मानू सहजे नेवाणवा करें सेने मकड्रिल होता जमापड़े। देखा अति खबर राशन कार्ड सह आधार कार्ड लिंक करार अवधि वृद्धि कले केन्द्र सरकार जानतु केबे पर्यंत करिपरिबे लिंक। केन्द्र सरकार के तरफ राशन कार्ड धारी मानक राशन कार्ड सहित आधार लिंक नहीं करार समय सीमा वृद्धि करते। सूचना मुताबक राशन कार्ड धारी मैंने 2023 सेप्टेम्बर 30 तारीख पर्यंत राशन कार्ड सह आधार कार्ड लिंक करेंगे। एने खाद्य और खाउटी कल्याण विभाग पक्ष एक विज्ञप्ति जारी कर जड़े राशन कार्ड धारी गोटे अधिक राशन कार्ड रखुवा अभियोग आसवा पर सरकार यह निष्पत्ति। सूचना था कि विभिन्न समय राशन कार्ड धारी मैंने पर कहार मृत्यु हो गले राशन कार्ड नाम काटा को आवेदन कर सहित पर झी बाहर होते पर लोके ना रे राशन सामग्री उठाई था सबू पर रोक लगवा और प्रकृत हिताधिकारी को राशन बांटापी सरकार एवं राशन कार्ड सह आधार कार्ड लिंक को बाध्यतामूलक कर। देखा अति खबर फिल्म फ्राइडे रिलीज है आदिपुरुष हल्रे हनुमान खाली रहा सीट। फिल्म फ्राइडे रिलीज होउछि बहु प्रतीक्षित फिल्म आदिपुरुष रामायणर कथावस्तु को नहीं प्रस्तुत होइछि फिल्म। श्रीराम तथा राघव चरित्र बाहुबली स्टार प्रभास अभिनय करिछंती आउ सीता भूमिकारे अछंती कृति सनन। रावण भूमिकारे सैफुल खान अभिनय करथवा बेले हनुमान भूमिकारे नजर आछंती देवदत्त नागे। प्राय 500 कोटी टंका बजेट रे प्रस्तुत होइथवा ई फिल्म देखिबा को आगुआ 3 लाख टिकट बुक होइछे। प्राय सब हॉल आदि हाउसफुल रही तबे गेरुआ रंगर गामुछा पकई लोके हल जाऊथवा देखा मिली। सबुठ बड़ कथा हूँ पूर्व घोषणा अनुसार हल्रे हनुमान एक सीट रखा जाए। देखा पर अति खबर एवं कैंसर हो ना कह मोबाइल कैमेरा आगामी दिन में चिकित्सा विज्ञान में बड़ परिवर्तन होगा जाए। भविष्य में मोबाइल फोन माध्यम चर्म कर्कट हो ना ता जाना संभव है ए नानो टेक्नोलोजी साहाजे एक स्मार्टफोन कैमरा लेंस या बार्थ मार्क किंवा चर्म कौन प्रकार चिन्हर विस्तृत फटो उठाइब। फटो माध्यम बायोलोजिकल कोषर जांच कर चर्म कर्कट हो ना ता सूचना देव। देखे अति खबर एसबीआई बैंक खुशी खबर बिना परीक्षा एसबीआई चाकरी दरमा 60,000 टंका। बिना परीक्षा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंतु चाकरी जाणिनंतु योग्यता और आवेदन तारीख। बैंक चाकरी करने को किए बार न चाहे पुणी से सरकारी बैंक होते सारा जीवन आराम। एटी आमे आउ क्यों सरकारी बैंक कथा कहूनु आमे कहूँ देशर नंबर वन सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कथा। एसबीआई पुणी बिना परीक्षा चाकरी जोटी परीक्षार्थी पूर्ण प्रस्तुत हो आउ बारंबार परीक्षा दे एसबीआई परी बैंक चाकरी पाउनी सेठी बिना परीक्षा चाकरी पाइबा कथा सुनिले आपण आमको पागल बोली कहिबे किंतु ये खबरटी सत। एसबीआई रिटायर्ड बैंक ऑफिसर पदवी रे निजुक्ति पाई आवेदन करने को विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। एसबीआई अधिकारी वेबसाइट sbi.co.in विज्ञप्ति प्रकाश पाई एथरे मोट 194 पद लागि प्रार्थी आह्वान करा जाइथिबा बेले जे 182 काउंसलर और 12 डायरेक्टर पद सामिल रहिछे। विज्ञप्ति अनुसार 15 जून 2023 रु प्रार्थी एथिपाई ऑनलाइन रे आवेदन करिपरिबे। आवेदन करिवार शेष तारीख रहिछि 6 जुलाई। योग्यता प्रार्थी काउंसलर और डायरेक्टर भाव में लोकों आर्थिक संस्था सह जड़ित विभिन्न प्रसंग पर काउनसेलिंग करसहत प्रार्थी स्थानीय भाषा ज्ञान उचित। प्रार्थी बयस 60-63 वर्ष मध्य होता उचित। चयन प्रक्रिया प्राप्त आवेदन पत्र आधार में आशायी प्रार्थी को शॉर्ट लिस्ट करा जीवो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करा जाइथिबा प्रार्थी को इंटरव्यू लगी डका जीवो 100 मार्क रो इंटरव्यू हेबो एथरे मिलिथिबा मार्क आधार रे फाइनल मेरिट लिस्ट प्रस्तुत करा जीवो। देखा पर उत्ती खबर शेषरे भगवान को अभड़ा भी आसिला नकली पुरी रे बिक्री होउची नकली महाप्रसाद। श्रीक्षेत्र पुरीर श्रीजगन्नाथ महाप्रसाद भक्तों पर अमृत बोली कहुए किंतु भक्तों यही भावना आउ भक्ति को नहीं हो सौदा। सब जिनसर विकल्प व नकली प्रस्तुत सरपर बर्तमान महाप्रसाद को मध्य नकली करी बिक्री कर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पूर्व श्रीक्षेत्र पुरी में देखा मिली एभली एक घटना। पुरी में नकली महाप्रसाद बिक्री होता नहीं सांघातिक अभोग कर लोकनाथ रोड पाइक साही नकली महाप्रसाद बिक्री होता अभोग हो एक परित्यक्त स्थान में रोष महाप्रसाद को बिक्री करुछंती अभियुक्त। तबे महाप्रसाद बिक्री करने सहित भक्तों भावना एवं भक्ति भाव को नहीं खेला जाउथवा अभियोग होछे। महाप्रभु को नीतिकांति जोगो मंदिर रे महाप्रसाद विलंबरे मिलुछे तेणु यार फायदा नहीं भक्तों को ठकवा उद्देश्य रे नकली महाप्रसाद बिक्री करुछंती किसी असामाजिक लोक। देखा पर अति खबर आज ठीक आरंभ है सरकार मो घर योजना आवेदन
राज्य सरकार मो घर योजन सुविधा पाइबा आज आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो संपर्क में विस्तृत सूचना www.rhodisha.gov.in/moghar उपलब्ध रही है। योजन कच्चा घर को पक्का घर में परिवर्तन करहब। यह योजन नुआ घर निर्माण किंवा गृहर संप्रसारण कर हिताधिकारी 3 लाख टंका पर्यंत बैंक ऋण पाइपर से प्रथम वर्ष को बाद 10 वर्ष मध्य ऋण परिशोध करेंगे। कौन पर मासिक आय 25,000 टंकरु कम थिले सेमाने यार लाभ पाइपर। देखा परवर्ती खबर कालिया योजना हिताधिकारी नुआ नियम बड़ खुशी खबर ऑनलाइन अभियोग पोर्टाल खोला रहिबार पद्धति परिवर्तन आवेदन समय सीमा बदलिला आवेदन समय सीमा 90 दिन को वृद्धि। तेज राज्य समस्त कालिया हिताधिकारी एक खुशी खबर कृषकों हित को दृष्टि रखी राज्य सरकार कालिया सहायता ऑनलाइन अभियोग पोर्टाल खोला रखिबार पद्धति परिवर्तन करिछंती। एसहित अभियोग आवेदन समय सीमा को 30 दिन 90 दिन को वृद्धि करिछंती। कृषि और कृषक सशक्तकरण मत्स्य और प्राणी संपर्क विकास मंत्री नरेन्द्र प्रताप स्वईं अनुमोदन क्रमे विभाग पक्षर एने संशोधित आदेशनामा जारी कर तेरे गत 2021 मसीहा मे मस 5 तारीख में जारी कर आदेशनामा को संशोधन कर हिताधिकारी कालिया सहायता प्रदान नहीं पोर्टाल 30 दिन परिवर्तन 90 दिन पर्यंत खोला रहिब। समस्त अभियोग गुड़ी 45 दिन मध्य क्षेत्र स्तर में जांच कर गत एप्रिल 1 और मे 23 तारीख में हिताधिकारी खरीफ 2023 प्रदान कालिया सहायतापी आदेशनामा जारी कर सहित परवर्ती पर्याय कालिया सहायता प्रदान को दृष्टि रखी पोर्टाल आसंता जुलाई 31 पर्यंत खोला रहिब। एहि संशोधित पद्धति परवर्ती फसल ऋतु और वर्षगुड़ी करे मध्य अनुसरण करिजो बोली आदेशनामा रे उल्लेख करा जायछे। संशोधित आदेशनामा जारी हेबा दिन ठारु एहा कार्यकारी हेबो बोली कुहा जायछे। तबे सूचना जोग्य जे प्रति जिले रे कालिया सेंटर कार्यक्रम हेबो बोली निकट रे राज्य सरकार निष्पत्ति नैथिले। एहा चासी को विभिन्न समस्या रा समाधान करबा सहित कृषि क्षेत्र रे नूतन सुजगर सृष्टि दिगरे चासी को उत्साहित करियो बोली राज्य सरकार का लक्ष्य रहिछे।